नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। गणतंत्र दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है और इस अवसर पर उन्होंने सभी को संविधान की उद्देशिका की शपथ दिलाई और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबको मिलकर योगदान देना होगा। बता दें आपको कि इसको लेकर 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार हर क्षेत्र में तेजी से कार्य कर रही है और जन भागीदारी और जन सहयोग से उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। योग गुरु स्वामी रामदेव ने पाकिस्तान की मौजूदा हालत पर बयान देते हुए कहा कि बहुत जल्द ही पाकिस्तान के टुकड़े होने वाले हैं और इसके साथ ही बलूचिस्तान और पीओके और सिंध क्षेत्र का बहुत जल्द भारत में विलय होगा और पाकिस्तान अदना सा देश रह जाएगा। वहीं रामचरितमानस और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर छिड़ी बहस पर रामदेव ने कहा कि देश में जो बात है वो देखने को मिलेगी और जिसका उद्देश्य सनातन संस्कृति को नीचा दिखाना है और ऐसे लोगों का पुरजोर विरोध करना चाहिए। गणतंत्र दिवस के मौके पर हरिद्वार के पतंजलि योगपीठ में ध्वजारोहण करते हुए स्वामी रामदेव ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं भी दी हैं। दिवस के पावन अवसर पर संपूर्ण देशवासियों को हमारी शुभकामनाएं हैं कि जिन वीरों ने, शहीदों ने, क्रांतिकारियों ने जिन सपनों के साथ इस देश का निर्माण किया उसको हमें आगे बढ़ाने के लिए संपूर्ण देशवासियों को प्रयास रहने चाहिए और प्रयास करने चाहिए। और आज का दिन बसंत पंचमी का दिन भी है और बसंत पंचमी क्योंकि उत्सव का हर्ष का दिन होता है तो आज दो दो हमारे पावन पर्व हैं। बलूचिस्तान, पीओके और पंजाब ये अलग राष्ट्र बनेंगे, पाकिस्तान एक अदना सा देश रह जाएगा और पीओके का भी भारत में विलय होगा। उसके बाद बलूचिस्तान भी खुद सामने से आकर के कहेगा कि भारतम शरणम गच्छामि, क्योंकि पंजाब, सिंध ये सब हिंद के साथ ही उनके सांस्कृतिक एकरूपता है। सितारगंज उत्कृष्ट सामाजिक कार्य को देखते हुए पुलिस प्रशासन की टीम ने गणतंत्र दिवस पर सामाजिक कार्य की सराहना करते हुए आपको बता दें कि पैरामाउंट एजुकेशनल एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष और पदाधिकारी को पत्र देकर सम्मानित किया है और इसके साथ ही ट्रस्ट के सामाजिक कार्यों की सराहना भी की गई है। आपको बताते चले कि वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर मिठाइयां बांटी गई हैं और कोतवाल ने कहा कि इनकी टीम के द्वारा बहुत ही सराहनीय कार्य किया जा रहा है जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। वहीं कोतवाल ने कहा कि प्रशासन के द्वारा भी जो भी मदद हो सकेगी वो हर संभव मदद प्रशासन के द्वारा की जाएगी। सभी को आज जो हमें कोतवाल साहब ने और उनकी सारी टीम ने एक प्रशस्ति पत्र देकर हमें सम्मानित किया है, जो एप्रिशिएट सर्टिफिकेट होता है वो हमारे सोशल वर्क को देख के जो हम समाज काम कर रहे हैं अपने ट्रस्ट के माध्यम से और उसी को देखते हुए उन्होंने आज बुलाया था और एक छोटा सा प्रोग्राम किया था जिसमें हमें और हमारी सारी टीम को उन्होंने एक प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। सर, पिछले साल तो हमने एक पर्यावरण को लेकर एक मुहिम शुरू की थी। पर्यावरण हमारा बहुत ख़राब होता जा रहा था तो हमने 10,000 पेड़ लगाने का संकल्प लिया था और 10,000 पेड़ हमने पूरे भी कर लिए थे। उसके अलावा हम गरीब बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन भी प्रोवाइड। एक तरफ जहां आज पूरा देश गणतंत्र दिवस का 74वां वर्षगांठ धूमधाम के साथ मना रहा है तो वहीं दूसरी तरफ भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात, बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के जवानों ने भी गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया है। खास बातचीत में जवानों ने बताया है कि गर्व होता है कि देश और तिरंगे की सेवा करना गणतंत्र दिवस के कुछ दिन पूर्व ही हम सभी जवान मिलकर तैयारी करते हैं और फिर गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान करने के बाद परिवार के साथ जश्न मनाते हैं और एक दूसरे को बधाइयां देते हैं। हम लोग अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, इस अवसर पर मैं आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं।
गणतंत्र दिवस का मेन मकसद ये है कि हम अपने लोकतंत्र को याद रखें और अपने लोकतांत्रिक जड़ों को और मूल्यों को मजबूती से बनाए रखें। इस अवसर पर हम सभी जवान सभी सीमा चौकियों में झंडा फहराकर और गणतंत्र दिवस को मना रहे हैं। भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात, बॉर्डर पर ही तैनात एसएसबी के जवानों ने भी गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया है। और वहीं पर खास बातचीत में जवानों ने साफ तौर पर कहा है कि गर्व होता है कि देश और तिरंगे की सेवा करना। गणतंत्र दिवस के कुछ दिन पहले ही हम सभी जवान मिलकर तैयारी करते हैं और फिर उसके बाद गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान करने के बाद ही परिवार के साथ जश्न मनाते हैं और एक दूसरे को बधाइयां देते हैं और मिठाई भी बांटते हैं। हरदोई में गणतंत्र दिवस जिले में बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं पुलिस लाइन में गणतंत्र दिवस को लेकर आबकारी राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल मुख्य अतिथि के रूप में ही पहुंचे और इसके साथ ही ध्वजारोहण कर परेड की सलाह मिली है। मैदान पर भव्य परेड की कदम ताल ने ही लोगों को दिलों से ही इसको दिलों को छू लिया है। वहीं विद्यालयों के बच्चों ने भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों की छटा बिखेरी है। और वहीं पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी के संयोजन में मंत्री नितिन अग्रवाल ने ध्वजारोहण कर देश के संविधान पर प्रकाश डालते हुए पुलिस जवानों की प्रशंसा की है। मंत्री ने परेड की सलामी ली और भव्य परेड में कई शाखाओं की टुकड़ियों से लेकर महिला पुलिसकर्मी ने अपनी प्रतिभा दिखाई है। परेड के माध्यम से ही पुलिस फोर्स ने आम आदमी को सुरक्षा का एहसास कराया और इस मौके पर पुलिस प्रशासन ने पुलिस कर्मियों और इसके साथ ही शपथ दिलाई गई है। भव्य परेड में कई शाखाओं की टुकड़ियों से लेकर महिला पुलिसकर्मी के साथ ही प्रभुष पुलिस जो कर्मी थे इसमें वो भी मौजूद रहे हैं और परेड में शामिल भी हुए हैं। अब खबर बलरामपुर से है, जहां जिले में धूमधाम से राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस मनाया गया है। वहीं कलेक्ट्रेट में ही जिला अधिकारी डॉक्टर महेंद्र प्रताप ने ध्वजारोहण किया और पुलिस लाइन में जिलाधिकारी और एसपी केशव कुमार ने भी परेड की सलामी मिली है। और इस दौरान ही पुलिस बल एनसीसी के जवान लाइन की परेड में ही शामिल हुए और वहीं पुलिस ने जिले वासियों के सामने अपनी क्षमताओं का ही प्रदर्शन किया है और साथ ही डीएम डॉक्टर महेंद्र कुमार ने देशभक्ति का गीत गाया है। पूरा देश आज 74वें गणतंत्र दिवस को खुशियों के साथ और धूम के साथ मना रहा है और इसी क्रम में ही पत्रकारों ने मिलकर ध्वजारोहण किया और सभी देशवासियों को भाईचारे और एकता के साथ रहने का संदेश दिया है। वहीं गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में ही इकट्ठे हुए और पत्रकारों ने प्रेस क्लब अध्यक्ष मार्कंडे मणि त्रिपाठी के साथ मिलकर इस स्वाधीनता दिवस पर ध्वजारोहण किया है और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। और इस दौरान ही प्रेस क्लब अध्यक्ष महामंत्री और सभी पदाधिकारी के साथ बड़ी संख्या में पत्रकार यहाँ पर मौजूद रहे। प्रेस क्लब अध्यक्ष मार्कंडे मणि त्रिपाठी ने कहा कि हमारा भारत देश अनेकता में एकता का संदेश देता है और कई भाषाओं कई महजबों और इसके साथ ही कई धर्मों और कई रंग रूपों के देश होने के बावजूद अनेकता में एकता को ये दिखाता है। हमारे देश का सीना हिमालय से भी ऊंचा है। आगे उन्होंने सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं और सभी से मिलजुल कर रहने की भी अपील की है। इस दौरान ही प्रेस क्लब के महामंत्री मनोज यादव ने कहा कि इस स्वाधीनता दिवस पर हम लोगों ने मिलकर ध्वजारोहण किया और साथ ही अमर शहीदों को याद कर उन्हें नमन भी किया गया है। आज हम लोग 26 जनवरी को गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब के ध्वजारोहण हम लोगों ने किया है। भारत एक विशाल देश है, इसमें तमाम जाति समुदाय और भिन्न भिन्न भाषा बोली के लोग रहते हैं और निश्चित तौर पे जिस तरह से हम लोग मिलकर रहते हैं विविधता के बीच यही हमारी पहचान है। भारत सशक्त मुल्क बन रहा है, पहले भी था अभी भी है और आगे भी इससे ज़्यादा होगा। आज गोरखपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब पर 26 जनवरी के दिन ध्वजारोहण किया गया है। हमारे देश की आज़ादी की 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हम लोगों का संदेश यही है कि यह देश विभिन्न जात धर्म के लोगों का
से मिल के बना हुआ है। अनेकता में एकता का संदेश पूरे विश्व में आज नई सदियों से जाता रहा है और हम सब लोग मिल कर के रहे हैं, इसलिए हम लोगों को यह अपनी एकता बनाए रखनी है ताकि भविष्य में भी हम एक रहेंगे तो मजबूत रहेंगे और देश का जो गौरवशाली इतिहास है उसके बारे में भी लोगों को जानकारी होती रहेगी। आज भारत अपना 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, जिसको लेकर पूरे प्रदेश के साथ साथ श्रावस्ती जनपद में भी गणतंत्र दिवस का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और इस मौके पर कलेक्ट्रेट में जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी है। वहीं पुलिस लाइन में भी जिलाधिकारी नेहा प्रकाश ने और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने तिरंगे को सलामी देकर परेड का निरीक्षण किया है। श्रावस्ती जनपद में आज गणतंत्र दिवस का हार काफी धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसके चलते आज रिजर्व पुलिस लाइन में जिलाधिकारी नेहा प्रकाश और पुलिस अधीक्षक प्राची सिंह ने तिरंगे को सलामी दी। इसके बाद ही परेड का निरीक्षण किया। वहीं पुलिस के जवानों, एसएसबी की बटालियन और पीएसी के जवानों ने भी जिलाधिकारी नेहा प्रकाश को सलामी दी है। इसके बाद डायल 112 की सायरन बजाती गाड़ियां स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डायल 108, 102 और स्वच्छ भारत मिशन की तरफ से तमाम झांकियां निकाली गई हैं। कबीरनगर में धूमधाम से 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। वहीं डीएम प्रेम रंजन सिंह और एसपी सत्यजीत गुप्ता ने पुलिस लाइन खलीलाबाद में ही झंडारोहण किया है। इस दौरान ही डीएम प्रेम रंजन सिंह ने ही पुलिस लाइन में परेड की सलामी ली और मौके पर पुलिस अधीक्षक ने परेड ग्राउंड में मौजूद पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को कर्तव्य और इसके साथ ही ट्रैफिक नियमों की शपथ दिलाई है। महाराजगंज जिले के नौतनवा में गांधी चौक पर 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन धूमधाम से ही झंडारोहण किया जाता है और इस दौरान ही नगर पालिका नौतनवा के ही द्वारा कराया गया है। आपको बता दें कि महाराजगंज जिले के भारत नेपाल के सरहद पर बसा नौतनवा में, जहां पर गांधी चौक है, पिछले कई सालों से 15 अगस्त और 26 जनवरी को धूमधाम से सांस्कृतिक कार्यक्रम और ध्वजारोहण किया जाता था। वही आज गांधी चौक पर गांधी जी की प्रतिमा पर भगवा झंडा लहराते हुए दिखाई दे रहा और अधिशासी अधिकारी नौतनवा से संपर्क करने की कोशिश की गई, मगर वे फोन नहीं उठा पाए। और वहीं पर पूर्व विधायक कुंवर कौशल उर्फ मुन्ना सिंह ने तिरंगे की जगह भगवा का झंडा लहराने पर आपत्ति करते हुए सरकार को घेरा है। जगह जगह सार्वजनिक जगहों सरकारी संस्थानों पर ध्वजारोहण किया गया। ध्वजारोहण कार्यक्रम यहाँ भगवा रंग का तिरंगा देखने को मिला, क्या वजह हो सकती है इस तरह की लापरवाही सामने आ रही थी, आप क्या कहते हैं? भगवा रंग का तिरंगा नहीं है, वो झंडा भगवा का है और ये गांधी चौक है। जब से इस चौक की स्थापना हुई तब से यहाँ विधायकों के द्वारा झंडारोहण किया जाता था और यहाँ के निवर्तमान चेयरमैन के द्वारा झंडारोहण किया जाता था। और आज गांधी जी के सामने जहाँ पे तिरंगा लहराता था वहाँ भगवा लहरा रहा है। भगवा अगर किसी ने लगाया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।